अब टीम हम बना लिए, इस बिजनेस में पैसा कहां से आता है और कितना आता है, कहां से आएगा कितना आएगा, ये आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा। देखिए दुनिया में हर आदमी कमाता है और खर्च करता है, हर आदमी के साथ वही कहानी है, चाहे छोटा इनकम हो बड़ा इनकम हो। जिसके घर में छोटा इनकम है छोटा खर्चा है, बड़ा इनकम है बड़ा खर्चा है। और मैक्सिमम खर्चा किसी भी फैमिली में क्या है, जो उसके यहां डेली यूज के जो प्रोडक्ट है, उसके फैमिली में जितने मेंबर हैं सारे लोग रोज नहाएंगे मुंह धोएंगे कपड़ा धुलेगा कुछ कॉस्मेटिक्स लगाएंगे कुछ हेल्थ का प्रोडक्ट यूज करेंगे, ये कहानी रोज चलेगा, एक दिन का नहीं है। और ये सारा का सारा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से आप खरीद के लाते हैं, उसको बनाने वाला मैन्युफैक्चरर कहीं बैठा होता है कहीं दूर में, और इस मैन्युफैक्चरर से कितने लोग खरीद के लाते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री से, एक भी आदमी नहीं। मार्केट की क्या व्यवस्था है कि कस्टमर सबसे लास्ट में होता है, इसमें हम सारे लोग हैं डॉक्टर इंजीनियर आईएएस किसान मजदूर सब लोग यहाँ है। और कस्टमर अपना प्रोडक्ट कहां से लेगा, बगल वाले रिटेलर से, रिटेलर लाएगा होलसेलर से, ये स्टॉकिस्ट से, ये सीएनएफ एजेंसी से। और कुछ टीवी वाले लोग हैं जो आपको बताएंगे कि आपको क्या लेना देना है, कौन सा प्रोडक्ट यूज करिए, यही मार्केट है मोटा मोटी। और इस मार्केट की कहानी क्या है कि एज ए कस्टमर कोई भी आदमी रिटेलर को अगर 100 रुपया पेमेंट किया किसी प्रोडक्ट का, वो एक्चुअली 100 रुपया का होता ही नहीं, वो यहाँ 30 से 40 रुपया में बना निकला, आते आते 100 रुपया का हो गया। अब 30-40 रुपया का चीज 100 रुपया में मिला, मतलब मिनिमम 60% का मार्केट शेयर इन लोगों का है